लोग एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे एंट्री के लिए एक स्टिकर दिया इन लोगों ने 40 यूरो का, 1 ईयर का होता है ये, 31 जैन से 31 जैन तक वैलिड है। ग्रीन पास है समथिंग, मतलब एंट्री फी आप समझ लो जिसके अंदर अलाउड टू ड्राइव इन स्विस, तो साथ ही फीलिंग अलग होगी। ये तो सिटी एरिया है ना इधर तो, जिसके अंदर हम लोग एंट्री कर चुके हैं और यहाँ तो हमने हाफ स्विस हाफ फेयर कार्ड ले लिया है, तो बोट के टिकट्स ले लिए। कितना लगा? होटल चेक इन हो गया और ये रहे मैं भाई साहब, तुरंत इनको जमीन पे बहुत देर से कार में बैठा हुआ था। IBS होटल है और अच्छा है काफी। अब व्यू दिखा है पर्दे वर्दे ऊपर करने के बाद। All set. और फिर से चल रहे हम लोग घूमने। स्टेशन पास में ही है, 400 मीटर जा सकते हैं। लोकेशन तो अच्छी है। ट्रेन सामने आ गई तो पकड़ ली हमने, अभी 5 मिनट लग रहे हैं यहाँ। ओके तो हमने हाफ स्विस हाफ फेयर कार्ड ले लिया है, 120 CHF का है तो 240 यूरो में देखना पड़ेगा कितना होगा। अब इससे जहाँ जहाँ भी जाएंगे ट्रेन बोट, मोस्टली माउंटेंस का है उसका हाफ हो जाएगा कवर, तो अब माउंटेंस घूमेंगे हाफ फेयर पे। सबसे पहले अभी तो बोट से शुरू फुल ट्रैवल पास भी था बट वो महंगा भी था और उसमें बहुत सारे माउंटेंस जिसमें पैसे लग रहे थे। अच्छा ये पास जो है 1 मंथ के लिए वैलिड है, तो 1 मंथ के लिए वैलिड है, वैसे कोई रुकेगा नहीं 1 मंथ तक। हमें 4 दिन ही यूज़ करना है बट 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। आज तो निकली है, आज तो निकल ही गया, 4 तो बज ही रहे हैं, 4:30 तो बज ही गया और सैटरडे को वापस जाना, 5 ही दिन है मोस्टली। ओके तो बोट के टिकट्स ले लिए। कितना लगा? 38 दोनों का लगा, दोनों का भी 50% के बाद, तो जो स्विस ट्रैवल पास लिया था उससे हाफ हो जाएगा। बोट आ गई और लाइन भी लग चुकी है, 1 घंटे की राइड है हम लोग की। और बढ़िया सी बोट, बाहर आए थोड़ा बाहर से भी व्यू देखते हैं। बस अब जा रहे हैं वापस।
एक घंटे का मतलब है कि 30 मिनट जाना 30 मिनट आना, ठीक है। और हमें मिल गया है एक इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है कांची रे, कांची रे खुद तेरा था। हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया है, कॉम्प्लीमेंट हर जगह नहीं, हर जगह नहीं, टेरिस में मिलता मोस्टली यूरोप में रहता है। और ये मतलब जैसे ही खाना खाने हम लोग बैठते हैं इनको पता नहीं क्या होता, सो रहे। मैंने मंगाई एक थाली इडली, चलो खाते देखते क्या है। खा लिया है, अब थोड़ी वॉक हो जाए खाने के बाद। लेक, लेक साइड वॉक, बगल में लेक है और आप वॉक करते हुए चलो, पास में ही था थोड़ा खाना पक जाएगा। खाना पचाने के चक्कर में भले पैदल आ गए, गए हम लोग बस से थे, तब ज़्यादा भूख लगी थी ना तो तब भूख लगी थी तो भूख लगी तो बस से गए थे। देखो फ्री है ठीक है, अल्टीमेटली है कि आपको कितना चलना है तो डिपेंड है, बस से जाओ पैदल चलो। है वुडन ब्रिज, चापल ब्रिज है, चापल ब्रिज चैपल, मतलब स्ट्रॉलर उठाना पड़ेगा अगर चलना है तो। चलो चल लेते हैं, इतना दूर आए हैं तो मेहनत का समय। अच्छा हाँ चैपल ब्रिज है तो कुछ कुछ हाँ मतलब इनके जो बुक्स में जो लिखा है वो इन्होंने ब्रिज में भी यहाँ पे लिख रखा है वही। एक्चुअली अंदर तो कुछ नहीं है लेकिन बाहर से बहुत ही अच्छा व्यू है। और ये भाई साहब खड़े हैं, आज मैंने पहली बार ऐसे पहली बार लिया है। और जानते हो मनीष क्या कह रहा है, कह रहा यार इससे कमर में दर्द होता है। देखो कैसे चिपका हुआ है, आ रहा है मतलब ये कह रहा हूं दर्द क्या होगा, गोदी में लिए हाथ तो कमर सब जगह दर्द है। चलो ब्रिज भी हो ही गया अब हम लोग का, थोड़ा सा मार्केट में ऐसे जाएंगे, खाली है लेकिन एक चीज है, या तो सुबह हो तो शाम को लेक और ये ब्रिज ही है। दूसरा वो है कि आप ऊपर जा सकते हो ये सब फनिकुलर और ये सब लेके, बट अगले पार्ट से क्या वो जल रहा है वहाँ पे, अगले पांच दिन यही करना है लेकिन फनिकुलर केबल कार यही व्यू है पांच दिन हमारे, पांच दिन भी वही है तो फिर आज। लेकिन देखो ना कितना अच्छा लग रहा है पूरा खाली खाली सा, शाम को आने का थोड़ा सा क्योंकि जब हाँ जब हम लोगों ने बोट ली थी जब हम लोगों ने तो देख रहे थे ना दूर से कितनी भीड़ थी, पता ही चल रहा था दूर से कि यही है ब्रिज। हाँ ब्रिज में रिपब्लिक ब्रिज भी समाई हुई थी। ना भूख लगी है ना कुछ, पता नहीं क्या चाटने की क्या शौक है इसको, कताओ के मिल गया तुमको कोई नहीं रोक रहा था, लगे चपड़ चपड़ चाटने कहाँ है कहाँ है भाई, तो सोचता है छोटी सी चीज क्या है, एकदम क्लियर वाटर है कि अंदर की काई भी दिखाई दे रही है ना, अंदर से तो देख ही लिया और बाहर से भी देख लो भाई। खूबसूरत बाहर से ही है
अंदर से उसकी एक्चुअली थोड़ा सा जो चैपल वाला जो स्टोरी लिख रखी है वो थोड़ा सा मेन है और बाहर से थोड़ा सा फूल वूल जो लगा वो ज़्यादा अच्छे। लेकिन ना चलो पहुंच गए स्टेशन, बगल में ही था, पहुंच गए। फाइनली चिप्स आ ही गया। हाँ यार, लेकिन बहुत कम वैरायटी थी चिप्स की। चिप्स की वैरायटी S4 अच्छी है इनकी, मतलब काफ़ी स्टोर के लिए काफ़ी स्पेस है। चल दिए इधर ही आना है डेली। हाँ, खाने डिनर के लिए, डिनर के लिए।